गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के इस सुबह सुबह मन किया सुबह सुबह आप सबसे बात करने का, और एक दो सवाल आते मेरे जहन में घूम रहे थे जिसके वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आई। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह आप सबसे बात किया जाए, आप सबके बीच में रखा जाए कि जो मेरे मन में जो सवाल घूम रहे कि वो सही है या गलत है। सबसे पहले हम घर की बात करते हैं। घर की बात बोले तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की, अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थिति कैसा है आप सबको पता है आज की डेट में। और राज्य विकास कर रहा है कहते हैं लोग, विकास हो भी रहा है बोलता है, हो रहा होगा विकास, जो अदृश्य विकास है दिखाई नहीं दे रहा है। जिस विकास के बारे में लोग बड़े बड़े चर्चा कर रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो हमें दिख नहीं रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि विकास के नाम पर यहाँ पर गपलाबाजी चल रहा है। विकास के नाम पर जितने भी भारत के सरकार से जितनी भी योजनाएं आती है, जितने फंड्स आते हैं, उस फंड्स का मिसयूज हो रहा है, उसका गबन हो रहा है। और इसी के चलते ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये कोई बोलने या सुनने वाली बात नहीं है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और इसी के चलते हमने यहाँ से अरुणाचल से चल करके दिल्ली तक गए थे, और वहाँ दिल्ली पर पहुँच करके हमने इतने महीने वहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए थे। और इस बीच में यहाँ अरुणाचल राज्य में बहुत सारी आवामों ने बहुत ज़्यादा हल्ला बोल मचाया कि राज्य में पेपर की चोरी हो रही है, पेपर की बिक्री हो रही है, नौकरियाँ खरीदी जा रही है, नौकरियाँ बेची जा रही है। तो इसके चलते अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है, हमारे स्वर्गवासी बड़े भैया तुमी गंगप जी, उनके साथ में क्या हुआ है, एक मिस्टीरियस कंडीशन में उनका डेड बॉडी पाया गया है। और वो भी उस दिन जब उनके बच्चे का बर्थडे था, बच्चे के बर्थडे के दिन उनको पुलिस विभाग की तरफ से कॉल आता है, उनको कहा जाता है कि आपसे सवाल जवाब करना है, इन्वेस्टिगेशन है, आप आइएगा पुलिस ऑफिस। उसके बाद वो बेचारा मना करता है कि नहीं, आज मेरा बच्चे का बर्थडे है तो मैं कल आ जाऊँगा। पुलिस वाले कहते हैं कि इतने मिनट के अंदर अगर आप नहीं आए तो फिर हम आपके घर आ जाएंगे। तो इसके चलते वो बेचारा चला जाता है कि चलो जो भी है सवाल जवाब उनका जवाब दिया जाए। और उसके बाद अगले दिन रात भर वो घर नहीं आता है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, और अगले दिन वो मृतक शरीर के रूप में पाया जाता है। जबकि उनके परिवार वालों को बड़ी चिंता होती है रात से ही, शाम से ही, और वो लोग खोजते तलाशते रहते हैं। तो आज बात करते कि ये तुमी गंगप जी कौन थे। तुमी गंगप जी एक अंडर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, और वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, गालो ट्राइब वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से, और उनका सरनेम था गंगप। तो जब तुमी गंगप जी के साथ ये हुआ, बहुत बुरा उनका एक मर्डर हुआ, मैं कह रही हूँ बार बार उनकी हत्या हुई है, उसके बाद में सारे लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनजाति के लोग, सबको बहुत चिंता हुई, सब आक्रोशित हुए, सब उत्तेजित हुए, और उनके न्याय की लड़ाई में उनके परिवार के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, राज्य की सरकार से, कि जिस किसी ने भी उनके साथ, जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, कृत्य किया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजाएं दी जाए जिस सजा की वो हकदार है। तो इसके चलते ऑन द 1st of April 2023 गालो वेलफेयर सोसाइटी कम KKWS मतलब कार्दी कारगा वेलफेयर सोसाइटी, लोगों ने एक सिट इन धरना प्रोटेस्ट रखा टेनिस कोर्ट IG पार्क पे, और वहाँ पे हमें न्योता दिया गया। प्रायर हमें न्योता दिया गया कि आप भी आइए हमारे इस दुख की घड़ी में, हमारे साथ दीजिएगा। और उसी उनके न्योते को ऑनर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, और साथ ही साथ अगर वो आमंत्रित नहीं भी करते तो भी हम पहुंच जाते, हम जाते, जरूर जाते। तो हम वहां पहुंचे, हमारे मन में बहुत सारी जो व्यथाएं थी, जो दुख थी, जो तकलीफ थी, वो हमने वहां पर अपनी व्यथाओं को रखा। हमने लोगों से बातचीत की, सरकार से सवाल जवाब किए, होम डिपार्टमेंट को हमने अल्टीमेटम दिए,
हमने वहां पर जाकर के गालो कम्युनिटी के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ माननीय विधायक महोदय, मेरे भाई श्रीमान न्यामर कारबाग जी, हमने वहां चल करके आपका नाम तक नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा किया। अब आपको देखती हूँ, आप मीडिया पर आते हो और हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान कैसे कर रहे हो, कह रहे हो कि गालो वेलफेयर सोसाइटी ने सिटिंग प्रोटेस्ट धरना ऑर्गेनाइज किया, क्या गालो कम्युनिटी में अच्छे स्पीकर नहीं है, क्या गालो कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, अच्छे वक्ता नहीं है जो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर वहां पर आप लोगों ने बात करवाया, इसका मतलब क्या है मेरे भाई न्यामर जी, आप बताइए जरा खुलकर। हम वहां क्या पार्टी मनाने गए थे, हम वहां डिस्को डांस करने गए थे, हम गए थे न्याय की गुहार लगाने, किसके लिए, आपके लिए। आप कौन हो, गालो हो आप, क्या हो आप, गालो, और कहां से एमएलए हो, लिरोपोबा कंस्टिट्यूएंसी, जहां से हमारे स्वर्गवासी भैया तुमी गांगकाप जी भी वहीं से थे, शायद वो आपके वोटर थे, या फिर क्या पता, मुझे नहीं पता इलेक्शन में उन्होंने आपको वोट किया कि नहीं किया, सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो आपको मतलब मेरे भाई, आपको खुजली किस बात की हो रही है कि GWS ने सिटिंग धरना ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद वहां पर गालो लोगों को बोलने नहीं दिया, अलग अलग जनजाति के लोगों को बुलाकर बोलने दिया, इसका मतलब क्या होता है। मैंने वहां पर से भी बोला था कि हम इसको कम्युनल नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ गालो का मुद्दा नहीं, ये पूरे अरुणाचल का मुद्दा है। अरुणाचल के एक बेटे को दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई है, किसने की हत्या, पुलिस वालों ने। हम क्यों कह रहे हैं पुलिस वालों ने हत्या की, क्योंकि उनको कॉल आता है पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए, इंक्वायरी के लिए, इंट्रोगेशन के लिए, उसके बाद वो पुलिस से मिलने जाता है, दोबारा वो कभी लौट कर नहीं आता है, अगले दिन उनका मृतक शरीर पाया जाता है, वो भी किस अवस्था में, मिस्टीरियस अवस्था में। इसीलिए हम कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनकी हत्या की है, तो हम उनके लिए न्याय मांगने गए थे, जबकि आपको वहां होना चाहिए था। एक तो बींगे गालो आपको तो होना ही चाहिए था, और ऊपर से आप विधायक हो उस क्षेत्र के, यू आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव माई डियर, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक के बिहाफ में आपके क्षेत्र के, आपके एरिया के किसी भी पब्लिक के साथ अगर कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो आपको सबसे आगे आना चाहिए बात करने के लिए। आप एमएलए भले इलेक्टेड मेंबर क्यों ना हो, सरकार आपके पार्टी का क्यों ना हो, फिर भी आपका हक बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने लोगों के लिए आवाज उठाए। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। जितने लोग वहां आपके समर्थन के लिए आए थे उन सब का अपमान कर दिया आपने मीडिया में निकल के, कि GWS ने इनको उनको अलना फलना लोगों को बुलाया, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, और लिया भी तो आपने किसका नाम लिया, लेजेंडरी आंटी। आपने बोला कि किस चीज के लिए वो लेजेंडरी बनी है मुझे नहीं पता, ऐसे लोगों को बुला करके वहां पे स्पीचेस दिलवाया, ये GWS को आप गाली दे रहे हो। माय डियर, मैं आपको बताती हूँ लेजेंडरी आंटी वो क्यों लेजेंडरी बनी, इसका मतलब आप अरुणाचल में रहते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि वो लेजेंडरी क्यों बनी, किस चीज से बनी। इस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जहाँ पे आप लोग अपने आप को राजा मानते हो और हमें प्रजा नहीं मानते बल्कि हमें गुलाम मानते हो, आप लोग सोचते हो कि गुलामों की कोई आवाज़ नहीं होती है, गुलामों की कोई आंखें नहीं होती है, गुलामों का कोई कान नहीं होता है, गुलामों के पास कोई बुद्धि नहीं होती है सोचने समझने की। तो जहाँ आप लोग हमें गुलामों से भी मतलब गुलाम महागुलाम की तरह ट्रीट करते हो, इस प्रदेश में जब प्रशासन से बहुत सारी गलतियां हो रही थी, किसी ने हिम्मत नहीं की प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की। वो सबसे पहली महिला है इस प्रदेश की जिसने खुलेआम नीदर होकर के सरकार को प्रश्न पूछा कोरोना काल में, कि क्या दिन को कोरोना नहीं आते और सिर्फ रात को कोरोना आते हैं, और तब उन
उन्होंने ऐसी अल्फाज का इस्तेमाल किया, ऐसी शब्द का इस्तेमाल किया जो कि 7 जन्मों में भी लोग बोलने के लिए 1000 बार सोचेंगे। इसीलिए उनको लेजेंडरी आंटी कहा जाता है। और ये लेजेंडरी टाइटल उनके परिवार ने उनको नहीं दिया है, किसी ने, उनके परिजनों ने नहीं दिया है, उनको ये लेजेंडरी टाइटल मिला है अरुणाचल प्रदेश राज्य के जनता के तरफ से। जब उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी सरकार के सामने, तब उनको लेजेंडरी टाइटल मिला है। आप क्यों नहीं बन जाते लेजेंडरी अमर भाई? आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाइए ना, आपको भी लोग बोलेंगे लेजेंडरी अमर करबक। इंग्लिश में लेजेंड वर्ड का मतलब तो आप समझते होंगे, क्योंकि आप दिखने में काफी पढ़े लिखे लगते हो, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, अच्छा नॉलेज होगा आपको इंग्लिश का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड? लेजेंड मींस लेजेंड, द वन हु कैन नॉट बी कंपेयर विद द ऑर्डिनरी पीपल। तो लेजेंड क्या होता है? शी इज अ लिविंग लेजेंड। आई मस्ट से विद फुल ऑफ माय ओन कंसाइंस माइंड, और बड़ी प्राउड के साथ मैं कहती हूँ, शी इज अ लेजेंडरी लेडी। व्हाई शी इज अ लेजेंडरी लेडी? आई टोल्ड यू, लेजेंडरी टाइटल ऐसे ही किसी को ऐरे गेरे को नहीं मिलता है, और अरुणाचल की जनता ने उसको लेजेंडरी टाइटल दिया है। मतलब वो अरुणाचल की माँ है, अरुणाचल के लिए सोचते हैं। जितनी बार भी वो मीडिया में आई होगी, जो भी उल्टी सीधी अल्फाजों का इस्तेमाल करके उन्होंने सरकार को घसीटा होगा या कुछ भी बोला होगा, कभी वो अपने फायदे के लिए अपने निजी मामलों को लेकर के नहीं आई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा बात की तो अरुणाचल की सड़कों के लिए बात की, अरुणाचल के बिजली विभाग से बात की, अरुणाचल के पानी विभाग से बात की, अरुणाचल उन्होंने कैपिटल के डीसी से बात की। तो जो भी बात की, जन समस्याओं को लेकर के उन्होंने बात की, और इसी के वजह से उनको हम सब बहुत मोहब्बत करते, प्यार करते हम उनको। हम उनके कुछ कुछ जो उनकी जो इमेच्योरिटी, जो कुछ कुछ एक दो अल्फाज निकलते उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो मन की अच्छी है, मन की साफ है, उनका इंटेंशन बहुत सही रहता है। एज यूजुअल वी ऑल नो दैट इन अरुणाचल लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग मन में बहुत अच्छा सोचते हैं, बट इतनी अच्छी तरीके से उनका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। तो हम कुछ कुछ चीज़ों को समझते हुए अंडरस्टैंडिंग में हम साइडलाइन करते हैं, और ऑफ द कैमरा हम उनको सजेशन भी देते हैं कि मम्मी आप ऐसे मत बोलो, इसको मत बोला करो, इसको मत बोलो। जब कभी भी हम हमारी उनसे मुलाकात होती है तो हम उनको सजेशन देते हैं, हम करेक्शन करते हैं उनको। तो इसीलिए वो लेजेंडरी आंटी बनी है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है कि वो किस बात की लेजेंडरी आंटी बनी। चलो हमने ये आपको बता दिया कि वो किस बात के लिए लेजेंडरी आंटी बनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वहां GWS के धरना पर आकर के लेजेंडरी आंटी ने क्या बोला, आपसे क्या मांगा उन्होंने? आपको तो कुछ बोले नहीं वो, बल्कि आपकी मदद कर रहे थे। वो जो काम आपको करना चाहिए वो लेजेंडरी आंटी कर रही थी, वो मैं कर रही थी, वो सोल भाई कर रहे थे, वो पुरु भाई बोल रहे थे, तदत नालो भाई बोल रहे थे, और हमारे अरुणाचल के लेजेंड, द लिविंग लेजेंड हु हैज रूल 23 years अरुणाचल प्रदेश, फॉर्मर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमान गेगोंग अपांग जी, वो कर रहे थे। हम सब आपके ही काम कर रहे थे यामर भाई, आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जहां आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वहां पे आप क्या कर रहे हो? हमारा अपमान कर रहे हो। क्यों भाई, क्या मिलता है आपको ये सब करके? जहां आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, वहां पे आप कह रहे हो कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर GWS ने कचरा किया। क्या कचरा किया GWS ने? आज के इस मुश्किल के घड़ी में, नाजुक घड़ी में GWS किसके लिए खड़ा है? अपने गालो समुदाय से एक अच्छा खासा, एक ऑफिसर मत बोलिए, कोई भी एक गालो इंसान का अगर इस तरीके से निडरता से हत्या होती है, तो गालो वेलफेयर सोसाइटी का फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों के लिए, अपना जो उनका जो कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनका ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि वो अपने लोगों के लिए खड़ा करें।
और उन्होंने अपने वेलविशर्स को इनवाइट किया, और वेलविशर्स से उन्होंने मदद मांगी कि हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दीजिए। तो बीइंग ए गालो जेंटलमैन, आपको सबसे पहले वहां होना चाहिए था, आप आए नहीं और आप बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन की बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे कि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज द कल्प्रिट। मैं वहां उस दिन बहुत ज्यादा उत्तेजना में आकर के उत्तेजित होकर के इन डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं बोली, बट आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाली हूँ और आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरे भाई न्यामर। आज के इस डिजिटल इंडिया, हमारे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, इस आधुनिक युग में, डिजिटल युग में कल्पित को पकड़ना, लोग क्या कहते हैं, 2-3 मिनट का भी काम नहीं है अगर अच्छा से ध्यान से सोचा जाए तो। तुम्हें गंगा जी के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया, उसके बाद में जैसे ये मेरा फोन है यहाँ पे मुझे कॉल आता है तो डिटेल्स रह जाता है। टेलीकम्युनिकेशन जो अपना जो जिस भी नेटवर्क का वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो, वट एवर इट इज, उनके पास रिकॉर्ड रह जाता है कि किसका फ़ोन आया, कितना ड्यूरेशन बात हुआ, कितना मिनट, कितना सेकेंड बात हुआ, उसके बाद में वो बंदा, वाई दिस इज कॉल्ड मोबाइल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर मूवमेंट वी कैरी दिस फोन, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ मोबाइल। तो ये मोबाइल उनके हाथ में था और इस मोबाइल के जरिए वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा था वो नेटवर्क के पास में रिकॉर्ड होता है, जिस नेटवर्क के अंदर में वो थे। तो जब तुम्ही गंगकप जी को लास्ट कॉल आया, पुलिस को इतनी आसान है यार, इन्वेस्टिगेशन हम समझाने लग जाए तो पुलिस करेंगे क्या, फिर भी हम समझा रहे इस वीडियो के माध्यम से। जब तुम्ही गंगकप जी को लास्ट कॉल आया उसके बाद में पुलिस को सबसे पहले क्या करना है कि उनके टावर को लोकेट करना है कि ये इसका मोबाइल कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ और जहाँ जहाँ मूवमेंट हुआ उसके बाद में लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँच कर उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। और उस एरिया पर जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर उनका डेड बॉडी स्पॉट होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पर सिंस तुम्ही गंगकप जी का मोबाइल वहाँ कितने बजे पहुँचा, उसके बाद में डेड बॉडी रिकवर होने तक का प्रोसेस में, एंटायर उस प्रोसेस में कितने लोगों का वहाँ आना जाना हुआ, ये हम कैसे पता लगाएंगे। हम निकालते हैं डैम डाटा, जिसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डैम डाटा। डैम डाटा कैसे निकालते हैं, वहाँ सैटेलाइट में उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नेटवर्क एक्टिव थे, कितने मोबाइल एक्टिव थे और जो जो नेटवर्क एक्टिव थे, जो जो मोबाइल एक्टिव थे वो किस किस का नंबर था, सारा रिकॉर्ड सैटेलाइट के पास में है, वो आप निकाल सकते हो। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि उस एरिया में उनके पास में जितने मोबाइल नेटवर्क्स एक्टिव थे सबको आप बुलाते, पकड़ते, उसके बाद में उनसे सवाल जवाब करते, इन्फो गेट करते, इन्वेस्टिगेशन करते, तो आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाता है कि भाई और सबसे पहले डेड बॉडी को किसने देखा और वो वहाँ क्या करने गए थे। ये सिंपल सा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, आज 2 महीना क्यों लग रहा है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम एक्चुअली वहाँ चर्चा करने आए थे और मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आकर के, क्योंकि सिंस फ्रॉम दिल्ली जब मुझे ये खबर मिला था और मीडिया के माध्यम से जब मैंने देखा गंगकप भैया के हाथों में नस कटा हुआ था, पैर के नस कटे हुए थे, फिर उनका मृतक शरीर जो एक बहुत ही मामूली सा बैम्बू, जो कि मतलब उसका एक डेड बॉडी का वजन कैरी नहीं कर सकता, वो बैम्बू से लटका हुआ था, सामने दो दो ब्लैक पड़े हुए थे, तो वो सब नज़ारा देखने के बाद में मैं बिल्कुल मतलब मैं आफे से बाहर थी और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि ऐसा क्यों हुआ और इसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। तो इसलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे बात करने गई थी, बट वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन एक्चुअली थैंक्स टू यू, आज तुम्हारे भैया बयानबाजी के वजह से मुझे इस वीडियो के माध्यम से दोबारा आना पड़ा और इस मुद्दे पर मुझे चर्चा करना पड़ा, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कम से कम इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बात कर सकूँ और जो कि मैं कर रही हूँ। तो मेरे भाई न्यामर जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हवाला मत दीजिए, हमने दिल्ली से भी बोला था, ये कोई मिस्टीरियस डेथ का केस नहीं है, दिस इज अ क्लियर कट ओपन एंड शट मर्डर केस, इस पर 302 लगना चाहिए,
हमें सुबह चिल्लाया और आपने शाम को 302 डाल दिया, अच्छा लगा देख करके। तो 302 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नॉट आई वॉज इन्वेस्टिगेशन माई डियर। सीरियस इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होना चाहिए और उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ, जबकि वेयर देयर इज ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीबीआई एंड ईडी इज ऑल्सो डियर। तो जब सीबीआई सेंटर से आए हैं, ईडी सेंटर से आए हैं, तो आपके पास तो अच्छा बैकअप है इन्वेस्टिगेशन का, फॉर व्हाट थिंग यू आर वेटिंग। ये सब मुझे आपको एबीसीडी पार्ट पढ़ाने की एक्चुअली मुझे जरूरत भी नहीं थी, जो कि आप वेल वर्स हो, यू आर ऑलरेडी वेल वर्स एंड वेल नोन पर्सन। लेकिन आप मीडिया में आते हो, बाहियात बयानबाजी करते हो, यू शुड थैंक्स टू मी, थैंक्स टू सिस्टर तोको सीतल बोलना चाहिए, थैंक्स टू मदर लेजेंडरी आरती बोलना चाहिए, थैंक्स टू ब्रदर सोल दोदुम बोलना चाहिए, थैंक्स टू ब्रदर तेची पुरु, थैंक्स टू ब्रदर तादक नालो, थैंक्स टू फादर गेहूँ आपम बोलने का जगह में, थैंक्स टू न्यादर लोया बोलने का जगह में, थैंक्स टू ये बगाब जिलेन बोलने का जगह में। आप क्या बोल रहे हो? जी डब्ल्यू एस। थैंक्स टू सर मरिया आते जी, देर मेच्योर पर्सन। उन लोगों ने मेच्योरिटी के साथ में मुद्दे को, इशू को उठाया, रेज किया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सबको गाली दे रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। तो मेरे भाई न्यामर जी, नेक्स्ट टाइम मीडिया में बोलने से पहले, और ये क्या तरीका था, मैं और लोगों का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ लेजेंडरी आंटी का लूंगा बोल के आपने उसी पे निशाना साधा जो आपके नजरों में कमजोर लगा। गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो कमजोर है, हम उनके साथ है, पूरा अरुणाचल उनके साथ है। आपने उस पे अपना निशाना साधा, कितना भारी पड़ सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई। हो सके तो जल्दी से जल्दी कोई मीडिया पार्टनर बुलाइए, वीडियो पे आइए, माफी मांगिए हमसे, हम सबसे माफी मांगिए, जी डब्ल्यू एस से माफी मांगिए। हम जितने वहां पर स्पीकर गेस्ट स्पीकर गए थे, हमने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबसे माफी मांगिए। ये बनता है आपका, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कीजिए। न्याय दिलवाइए हमारे बड़े भाई ले तुम्हें गंगा जी को, न्याय दिलवाइए। ये मैं आप आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं बात कर रही हूँ, कह रही हूँ, ठीक है। तो न्यामर भाई आपको यहाँ पे रखते हुए अब बात करते हैं हमारे नेशनल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया श्री अमित शाह जी, जिसे गुजराती भाषा में मोटा भाई कहते हैं, अगर हम सरल हिंदी में बात करें तो बड़े भाई, और अरुणाचल भाषा में बात करें तो अच्छी अमित शाह जी हमारे बड़े भैया। अरे भाई कितनी खुश किस्मती की बात है कि आप अरुणाचल आए, तो हमारा सौभाग्य है। हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली में पूरा 7 महीना इंतज़ार करते रहे आपकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपने हमको वो मौका नहीं दिया, वो अवसर प्रदान नहीं किया। लेकिन यहाँ आप अरुणाचल आ गए, चोरी से चुपके से ऐलान कर देते भैया कि आप आ रहे हो, हम आपके स्वागत सत्कार के लिए हम पहुँच जाते कि भी, तो क्यों? माननीय दिग्गज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में वर्ल्ड का ज्यादा लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड भारतीय जनता पार्टी, और जिसकी नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं एज ए प्रधानमंत्री, लेकिन सारा ताम जाम सारा मैनेजमेंट संभालते हमारे मोटा भाई, हमारे बड़े भैया अमित शाह अच्छी जी, अच्छी अमित शाह जी। पूरा इंडिया को आप मैनेज कर रहे हो, और आप जैसे दिग्गज महान हस्ती को अरुणाचल आने के लिए आप आराम से आए और चले भी गए, हमें तो पता भी नहीं चला, वीडियो के माध्यम से पता चला कि अमित शाह जी पधारे थे और बहुत अच्छा भाषण देकर के वो चले भी गए। भैया जब आपने इतने मुद्दों पर बात किया, आपने वाइब्रेंट विलेज के ऊपर बात किया, आपने बीएडीपी के ऊपर बात किया, आपने लेकिन एक शब्द गलत बोला कि बीएडीपी मोदी जी के अंतर्गत हम बीजेपी सरकार ये कर रहे हो, बीएडीपी पहले से थे, चलो खैर वो इशू नहीं है, जो भी आपने बहुत अच्छी बातें की। तो भैया आपने एक बार करप्शन के ऊपर क्यों बात नहीं की? चलिए करप्शन के ऊपर भी रहने देते हैं, दिन दहाड़े लेक तुमी गंगकक जी का यहाँ हत्या हो गया है, उनका मर्डर हो गया है, आपने इस पर क्यों अपनी राय नहीं रखी, अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं रखी, उस पर बात क्यों नहीं की?
जबकि आपका ही डिपार्टमेंट का काम है। आप भारत की लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हो और यहाँ अरुणाचल के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले आपके डिपार्टमेंट के होम मिनिस्टर, उन लोगों से आपने पूछताछ क्यों नहीं की? जनता के सामने आपने क्यों नहीं रखा? ये बर्निंग इशू है अरुणाचल में। अभी दिन दहाड़ा आपने कितने कितने परसेंटेज, 63% बोल रहे थे हिंदी में, 63% क्राइम रुक गया है, लोग खुश है, और कितने कितने परसेंट लोगों ने सरेंडर किया है, और कितने राज्यों से अफ्सपा को आपने हटा दिया। ये सारी बातें बहुत अच्छी बोले और मैं तारीफ करती हूँ, इज्जत करती हूँ आपकी। साथ ही साथ मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे भैया, आपने लेट टूमी गंगकप जी के ऊपर क्यों बात नहीं किया? आपने सरकार को हिदायत क्यों नहीं दी? और सबसे बड़ा मेरा कॉम्प्लेन है, नॉट ओनली अमित जी आपसे सिर्फ नहीं है, इवन मेरे प्यारे हमारे आदरणीय मोदी जी से भी मेरा कॉम्प्लेन है कि हमारे राज्य का जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनका नाम का उच्चारण हमेशा आप लोग गलत क्यों करते हो कि प्रेमा खांडू। ये प्रेमा खांडू क्या होता है? उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा के जगह प्रेमा क्यों डालते हो आप लोग? आप लोगों को उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है, उस प्रेम को दिखाने का अलग तरीका होता है, वो अलग तरीके से दिखाइए ना। बार बार कहते हो कि हमारे प्रेमा खांडू जी का सरकार, प्रेमा खांडू। लास्ट टाइम जब दोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तब मोदी जी पधारे थे, तभी उन्होंने भी बोला था हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। अमित भाई आप अपने आप को भी करेक्शन कर लीजिए और मोदी जी को भी थोड़ा ये आप करेक्शन करके दे दीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी अरुणाचल के मुख्यमंत्री का नाम लेने का कोई नौबत आई या फिर अरुणाचल आई, अरुणाचल से रिलेटेड कुछ भी कार्यक्रम हुआ, तो मुख्यमंत्री का नाम जब भी आप लेंगे तो पेमा खांडू बोलिएगा, प्रेमा खांडू मत बोलिएगा। ये भी एक काइंड ऑफ बड़ी गजब की बेइज्जती है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। तो ये है, तो अमित भाई आप आके चले गए, धन्यवाद आपका, आप आके चले गए, हमसे मिले बगैर चले गए, हमें बताया नहीं इन द सेंस कि मुझे तो कोई शीतल को नहीं बताया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरे अरुणाचल को पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारा छोटा सा प्रदेश है, प्यारा सा प्रदेश, यहाँ पे जब कभी भी केंद्रीय मंत्री जी का आगमन होता है या किसी का पधारना होता है तो बड़े बड़े बोर्डिंग पोस्टर लगे होते हैं और पूरा अनाउंसमेंट होता है कि हमारे वो मंत्री जी आ रहे, पधार रहे राज्य में, तो सारे जनता को पहले से ऐलान किया रहता है कि आप लोग तैयार रहिए, मंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस बार तो हमें पता ही नहीं चला आप कब आए और कब चले गए। आपने बहुत अच्छी बात की, भारत की पहली गांव आप आए, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आप हमारी भारत की पहली गांव में आए, चीन के बॉर्डर से, जहां से चीन खत्म होता है, जहां से भारत की शुरुआत होती है, उस गांव पर आप आकर चले गए, अच्छी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आपने बात की, हमारी माताओं के लिए बात की, बहनों के लिए बात की, और गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात की, सब कुछ की, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए हम बड़े शुक्रमंद हैं आपसे और आपके सरकार से। साथ ही साथ यहाँ पे दिन दहाड़ा हत्या हो रही है, लूटपाट खुलेआम मची हुई है, लोग खुश नहीं है, आवाम खुश नहीं है। आप जितनी अच्छी अच्छी योजनाओं का आपने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया, उच्चारण किया, सारी योजनाएं अपनी जगह सही है, उनको साइड पे रखते हैं। योजनाएं तभी काम आएंगे जब आवाम खुश रहेंगे, अपनी आवाम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे आपके सरकार में रहने वाले लोग सरकारी कर्मचारी ही जिनको संभालना है लॉ एंड ऑर्डर, और वही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। जिनको जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए वो जनता के खून चूस रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रही है। इतनी सारी मुद्दे हैं और आप वहाँ पे कहते हो, और आपने क्या कहा यार, आप लोग बोर कर देते हो बार बार जब भी कभी कोई भाषण करते हो, कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने, ये क्या होता है कांग्रेस का जमाना? आप जिस प्रेमा भाई के नाम लेकर उनकी तारीफ करके नहीं थक रहे हो, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि यही प्रेमा भाई तो कांग्रेस के घर में पैदा हुए बच्चे हैं, उनके रगों में भी कांग्रेस का ही खून दौड़ता होगा, और जितने भी अरुणाचल के नेता है सारे कांग्रेस की पैदाइशी है। आपने अपना क्या किया यहाँ अरुणाचल में पहुंचकर मेरे भाई, मोटा भाई? सारे कांग्रेसी लोगों को चुरा कर उठा कर आपने बीजेपी में भर्ती करवाई हुई है, और आप गाली दे रहे हो कि कांग्रेस के जमाने में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, तो कांग्रेस के जमाने में कौन रहता था? यही कांग्रेसी लोग थे जो आज आपके बीजेपी बन के आपके साथ खड़े हैं।
तो थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लो, और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया कीजिए। नेक्स्ट टाइम कभी भी दोबारा बोलिएगा तो कांग्रेस वर्ड यूज मत कीजिएगा। इसका मतलब आप आज भी कांग्रेस से डरते हो। मुझे लगा था कि शायद बीजेपी वाले और दोबारा कभी कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं, पर कांग्रेस का तो अस्तित्व आप लोगों ने खत्म कर दिया। मुझे ये शायद ये मेरी गलत फहमी थी, मुझे ऐसा लगा था, बट आपका भाषण सुन के मुझे पता चल गया कि आपके नजरों में आज भी कांग्रेस की अहमियत है। कांग्रेस के जमाने में कौन थे? यही आपके प्रेमा भाई, हमारे पेमा खांडू साहब, हमारे लेट दोरजी खांडू साहब, हमारे लेट जितने भी थे और हमारे जितने भी लोग थे, ये सब कांग्रेस में ही तो थे, बीजेपी में कौन था? यहाँ तक कि हमारे जो जीजा जी हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कानून और नीति विभाग का, जो हमारे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाइब्रेंट अरुणाचल का लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, मेरे जीजा जी श्रीमान किरण रिजिजू जी, वो बीजेपी के थे। उनको इतनी प्रॉब्लम हुई बीच में कि वो बीजेपी छोड़ के बीच में जब हमारे लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे दोरजी खांडू जी, पिताजी दोरजी खांडू जी जब मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश में, वो बीजेपी छोड़ के बीच में वो अपना श्रीमान किरण जीजा जी ने कांग्रेस का मुख्यमंत्री का वो प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए थे। पता नहीं उसने एक्टिव मेंबरशिप ज्वाइन किया था कि नहीं, इसका मुझे डिटेल्स नहीं, बट वो कांग्रेस के सरकार में वो प्रिंसिपल एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो इसीलिए यहाँ ये कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस के जमाने वमाने वो सब छोड़ दीजिए, वो मत बोलिए। आप अच्छी योजनाएं बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे बॉर्डर के जवानों को बहुत अच्छा से सलाम किया, जवानों को आपने लेकर के बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं और उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन दोबारा आप जब कभी आइएगा, ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सलाह है, एडवाइज है, जन समस्याओं को लेकर के थोड़ा बात कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो, चाहे इसको चलने में टाइम लगता है, दिल्ली यहाँ से 2400 किलोमीटर दूर है, और फिर दिल्ली 2400 किलोमीटर दूर मेरा ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचने में शायद कितना घंटा, कितना दिन, कितना महीना लगेगा, पता नहीं। उसके बाद फिर आपके ऑफिस पे तो बहुत बड़ा गेट लगा होता है, फिर वहाँ पर्ची काटना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो इंटरनेट को भी बेचारा बहुत तकलीफ करना पड़ेगा मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए। बट इतना तो तय है कि ज़रूर पहुँचेगा, चाहे कैसे भी करके। आप खुद अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे, नहीं सुनेंगे, तो भी आपका जो सोशल मीडिया हैंडलर है, जो आपका टीम है, जो आपका आईटी सेल है, किसी ना किसी के कान तक तो जरूर पहुंचेगा, और उनके माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ जरूर पहुंचेगी, इस बात की मुझे गारंटी है। बट कितने दिनों में पहुंचेगी मुझे नहीं पता, तो जब कभी भी पहुंचे मेरे मोटा भाई, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन दे रही हूं कि जब कभी भी आप दोबारा अरुणाचल आएंगे, प्लीज़ एडवांस में बता दिया करो, हमें भी तो रिकम्पादा तैयारी करने दो, हम रिकम्पादा के साथ आपका स्वागत करेंगे। हम थोड़ा सा टचअप वचअप, मेकअप वेकअप करके, थोड़ा लिपस्टिक उस्टिक काजल उजल डाल के, अपना ट्रेडिशनल अतार पहन के, हम रिहम वो पादांगो आएंगो जा अमित शाह नाम वो पाया लिंचो, ऐसा बोलने का मौका तो दीजिए, चोरी से मत आइएगा और चुपके से मत जाइएगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत गजब बेइज्जती हुई है आपकी ये। और दूसरी बात, जब कभी भी आइएगा तो जन समस्याओं के ऊपर बात कीजिएगा, जनता खुश है कि नहीं ये एक बार चेक कीजिएगा। और तीसरी बात, मर्डरर को पकड़ने में प्लीज मदद कीजिए, तुम्ही गंगा जी के मर्डरर को पकड़ने में मदद कीजिए प्लीज, ये आप ही का डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, होम डिपार्टमेंट का है। तो एक मिसाल बनाइए इंडिया में, सबको बताइए कि अमित शाह जी अरुणाचल पहुंचे और तुम्ही गंगा जी के मर्डरर को अरेस्ट करवा दिया, कितना अच्छा एग्जाम्पल जाएगा पूरा इंडिया में, कम से कम ये तो कीजिए मोटा भाई। खैर, ये मेरी आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दो सजेशन थी और एक दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, और आगे मुझे ज़रूरत के हिसाब से मुझे लगेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैं विराम लगाती हूँ, और आगे मुझे लगेगा मैं जाते जाते ज़रूर सबसे, चाहे आपके प्रेमा भाई जी से, हमारे पेमा खांडू जी से, हमारे बामंग पेलिक्स जी से, और मेरा प्यारा भाई न्यामर कारबाग जी से, और मोटा भाई अमित शाह, आप लोगों से मैं विनती कर रही हूँ, दोबारा जब कभी भी मैं बात करने आऊँ, मुझे इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने दीजिएगा, मुझे उत्तेजित मत कीजिएगा, मुझे उत्तेजित होने पर मजबूर मत कीजिएगा, और मैं उत्तेजित होना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों से दरख्वास्त कर रही हूँ, और इसको यहाँ तक रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है,
वरना देखिए हमारे राज्य की स्थिति बहुत खराब है, स्टेट का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है और जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा उत्तेजना में है। एंड थैंक यू सो मच माय डियर लविंग सिस्टर निमी ताबा मैडम, सही वक्त पे आपने सही आवाज उठाया, सही सवाल पूछा आपके ऑनरेबल निगम न्यामर कारवाक जी को, उन्होंने हमारी गजब बेइज्जती की थी, आपने उसको सही सवाल पूछा। थैंक्स माय डियर स्वीट सिस्टर, लव यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप यूं ही इस तरीके से हमेशा अपनी हक के लिए, सच के लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे और आगे अपने लोगों के लिए हमेशा यूं ही लड़ाई लड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।